नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रीति भंडारी। आइए रुक करते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए गए वेंकैया नायडू आज अपना नामांकन भरा। उसके साथ ही पीएम मोदी, अमित शाह, लाल कृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, मुरली मनोहर जोशी और सुषमा स्वराज समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। इससे पहले वेंकैया नायडू ने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात भी की थी। वेंकैया नायडू ने नामांकन भरने के बाद उम्मीदवार बनाने के लिए बीजेपी की ओर से सहयोगी दलों को समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि आज से मेरा रोल अलग होगा। भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकित होना गर्व की बात है। हमेशा से सार्वजनिक जीवन रहा है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी को सूचना प्रसारण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इससे पहले वे मंत्रालय एम वेंकैया नायडू के पास था। नायडू ने उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। बता दें, नायडू के पास इसके अतिरिक्त शहरी विकास मंत्रालय का प्रभार भी था। नरेंद्र तोमर को इस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मोदी सरकार का नया विस्तार मानसून सत्र के बाद हो सकता है। इससे पहले साल 2014 में पहला केंद्रीय कैबिनेट विस्तार हुआ था, जिसमें 21 चेहरों को शामिल किया गया था। पिछले साल जुलाई में भी कैबिनेट में फेरबदल कर स्मृति ईरानी की जगह प्रकाश जावड़ेकर को मानव संसाधन मंत्रालय दिया गया था। मानसून सत्र के दूसरे दिन राज्यसभा में मायावती ने यूपी की केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर हमला बोला। मायावती ने राज्यसभा में सहारनपुर मामले का मुद्दा उठाया। मायावती ने कहा कि पूरे देश में जहां पर भी बीजेपी की सरकार है, वहां पर दलितों पर अत्याचार हो रहा है। सहारनपुर की हिंसा साजिश के तहत हुई है। केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में रहने वाले 24 साल के युवक को वीजा दिलाने का ऐलान किया है। ओसामा के लीवर में ट्यूमर है, जिसका इलाज वो दिल्ली कराना चाहते हैं। बता दें कि हाल ही में सुषमा ने पाकिस्तान की कैंसर पीड़ित युवती फैजा तनवीर के मेडिकल वीजा मामले को लेकर भारत सरकार का स्टैंड स्पष्ट करते हुए दोहरे मापदंडों के लिए पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुनाई थी। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने फिर से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। बेनामी संपत्ति मामले में सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव को घेरा है और आरोप लगाया है कि उनके पास 26 बेनामी संपत्ति हैं। वे 26 साल की उम्र में 26 संपत्तियों के मालिक हैं, जिसमें से 13 के मालिक वे नाबालिग रहते बन गए थे और बाकी 13 के बालिग होने के बाद बने हैं। सऊदी अरब में एक महिला सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करने को लेकर चर्चा में छाई हुई है। ये महिला वीडियो में मिनी स्कर्ट और छोटा टॉप पहने नजर आ रही है। दरअसल सऊदी में महिलाओं के पहनावे को लेकर काफी सख्त कानून है, जिस कारण इस वीडियो को लेकर बवाल मचा हुआ है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार अपने राज्य की अलग पहचान के लिए राज्य का अलग झंडा चाहती है। झंडे का डिजाइन तैयार करने के लिए सरकार ने 9 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है, जो इसे कानूनी मान्यता दिलाने का काम करेगी। बता दें, सरकार की ये योजना सफल होती है तो जम्मू और कश्मीर के बाद कर्नाटक दूसरा ऐसा राज्य होगा जिसका अपना झंडा होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जम्मू में अपनी अहम कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। खास बात यह है कि 1925 में बना संघ जम्मू कश्मीर में पहली बार इतने बड़े लेवल पर ये मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है। मीटिंग में शिरकत करने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत और बाकी नेता शनिवार को जम्मू पहुंच चुके हैं। मीटिंग में खासतौर पर कश्मीर से जुड़े मामलों पर चर्चा होगी। साल 1993 के मुंबई बम विस्फोट मामले में दोषी माफिया सरगना अबू सलेम ने टाडा कोर्ट से शादी करने की अनुमति मांगी है। उसके आवेदन पर जज ने सीबीआई से जवाब मांगा है। इससे पहले मुबरा इलाके में रहने वाली लड़की ने कोर्ट में आवेदन देकर कहा था कि वो सलेम से शादी करना चाहती हैं। ऑनलाइन खुदरा बिक्री प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने वाली प्रमुख कंपनी फ्लिपकार्ट ने समझा जाता है कि स्नैपडील का अधिग्रहण करने के लिए करीब 6000 करोड़ की नई पेशकश की। सूत्रों की ने ये जानकारी दी। बता दें, बेंगलुरु स्थित इस कंपनी ने स्नैपडील के ऑनलाइन मार्केट प्लेस और यूनिकॉमर्स को खरीदने के लिए ये राशि देने की पेशकश की है। अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा, जिसे 11 अगस्त को रिलीज होना था, वो लगातार एक के बाद एक नए मामले में उलझती जा रही है। आपको बता दें, प्रतीक ने गुटरगू 2015 में बनाकर पूरी की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रतीक का कहना है कि सीबीएफसी ने उनकी फिल्म को
प्रसारित करने का सर्टिफिकेट दे दिया है, लेकिन पैसों की कमी के कारण वो फिल्म का प्रसारण नहीं करवा पा रहे हैं। बड़ी खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।